वेरी माने डॉक्टर सतीश मिश्रा टुडे डॉ गिवलोटेशन लसन अमस्कार डॉक्टर सतीश मिश्रा हिंदू धर्म के स्तम्भ में आपका स्वागत है ये एकदम नया साल है तो नया साल के समय मैं थोड़ा पुरानी बातें याद करना चाहता हूँ इस बार इस साल हमारा थीम 2010 में इसको शुरू किया था पाँच साल कंप्लीट हो गए 2010 में था कि हमारे त्यौहार त्यौहार हमारे हिंदू धर्म के मिरर हैं तो उसमें त्यौहार बहुत ज़रूरी है वो हमने थीम फोकस किया था और 2011 में हमारा थीम था कि हमारे मंदिर हमारे पृष्ठ और हमारे संत इनके बारे में बात किया था कई संत आए थे हमारे जो और ये सब वाकई में गाइडिंग लाइट ऑफ अवर धर्म इन सब का रोल बहुत बड़ा है 2012 में हमारा थीम था म्यूजिक भजन और कीर्तन और ये सब हमारी इंस्पिरेशन है हमको उत्साह देते हैं आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं 2013 में हमारा थीम था अवर यूथ अवर यूर्स मतलब वो बहुत ही क्रिटिकल हैं हमारे धर्म के लिए वो प्रमोट करेंगे प्रैक्टिस करेंगे प्रिजर्व करेंगे वो हमारा भविष्य है 2014 में हमारा थीम था स्क्रिप्चर्स और मैसेजेज ये कर्म हमारा कर्म योग सिखाता है धर्म योग सिखाता है और 2015 में फिलासफी और लैंग्वेज लैंग्वेज का क्या रोल रहा है हमारे धर्म में और मैं सोच रहा था कि ये सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं ये सब मानव धर्म और मानवता को आगे बढ़ाते हैं मगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पिलर्स हैं स्तंभ हैं वो आप लोग हैं द व्यूअर्स व्यूअर्स ही अगर नहीं आएंगे तो हमारा कोई एफर्ट नहीं होगा और आपका कंट्रीब्यूशन हमारे इस हिंदू धर्म के स्तंभ में या कोई भी मानव धर्म के स्तंभ में बहुत जरूरी है तो आपका इनपुट बहुत ज़रूरी है तो तुम्हारे बिना आपके बिना आ, कुछ भी संभव नहीं है हमारे मंदिर नहीं रहेंगे हमारा आ, संत लोग जो आपके लिए सेवा करते हैं तो आपका भी योगदान इसमें बहुत है तो इसमें हम लोग सिर्फ आप ही नहीं हैं इस मीडियम में का कई लोग और भी पिलर्स हैं जो मैंसंस नहीं किए गए हैं कई लोग स्तंभ हैं सबसे बड़ा स्तंभ तो मैं देखता हूँ मीडिया मीडिया का इम्पैक्ट इतना अच्छा रहता है इसमें ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क जो मीडियम के थ्रू हम आपके पास आ रहे हैं टेनिस ऑफ रिलीजन सिर्फ यही एक टेनिस ऑफ रिलीजन इसमें मीडिया में नहीं है कई एक और प्रोग्राम जो ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क ने शुरू किए हैं कई एक प्रोग्राम है जिसका जिसका मैं क्रेडिट देता हूं नीलमा मेहरा को एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और वो आपके ही दोस्त हैं आपके ही सेवक हैं समाज का काम करती हैं और आ, पूरा अपना समय न दे करके अपने पर्सनल लाइफ न देख करके के समाज की लाइफ में योगदान करते हैं ये सब पिलर्स हैं ये सब स्तंभ हैं ये सब धर्म के स्तंभ हैं हिंदू धर्म या कोई भी जैसे आपने देखा इसमें भी पिलर्स ऑफ टेन में हिंदू धर्म के उसमें देखा डाइवर्सिटी है इतनी डाइवर्सिटी है सिख रिलीजन है क्रिश्चियन रिलीजन है सब लोग आते हैं इन सब धर्म का एक ही मकसद है एकता रहे हम लोगों में सद्भावना रहे हम लोग आगे बढ़े धर्म को फॉलो करें तो तो वी है हमने इतना सीखा इस सब में कलेक्टिवली और भक्ति डिवोशन और सत्संग सबसे बड़ी चीज़ है सत्संग बिन बिना सत्संग बिना सत्संग के कुछ नहीं होता है तो इसके साथ में डेवलपमेंट ऑफ यूथ हमने खुद देखा है इस शो में कितने यंग लोगों को मिलाया कितने यंग लोगों को नीलमा जी लाई और सब स्टार्स बन गए सब भक्त बन गए उस धर्म के आगे बढ़ने लगे उसमें आपका भी योगदान रहा है हमारे दर्शकों का और तो इससे हमारी फेलोशिप सोशल और रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है अप्रिससन बढ़ा है टॉलरेंस लेवल बढ़ा है यूनिटी बढ़ी है एक डाइवर्सिटी में यूनिटी ये सब इस शो में और कई एक वेरियस ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के शो में दिखता है कि समाज में कैसे हम आपके दोस्त बने हैं समाज में आपके साथ में आपका सुख दुख हम लोगों ने कैसे बाँटा तो इसलिए हम जी टी वी के वास्तव में बहुत ही प्राइड है हमारे लिए गर्व है नीलमा मेहरा जी का जो इतना इम्पैक्ट ओरिएंटेड डाइवर्सिटी आपकी लाइफ में आती है आपके घर में लाते हैं हम लोग इम्पैक्ट ओरिएंटेड डाइवर्सिटी और इस जिसको सब कोशिश करते हैं कि आप समझें अप्रिसट करें और कोग्जिस्ट करें यही हमारा हिंदू धर्म के पिलर है को एग्जिस्टेंस एंड मुझे लग, मुझे पता है कि यहाँ का ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क का सारा स्टाफ इसी तरह से फील करता है मुझे पूरा पता है कि दे वेरी हैप्पी दे आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट दिस और उसके बाद में अगले साल का फोकस मैं आ, सोच रहा था क्या करूं तो दिमाग में आया कि हमारे सेरेमनीज रिचुअल्स और संस्कार बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अभी मैंने एक शादी देखी अभी आ, इसी महीने नवम्बर में तीन वहाँ से वो आ, आ, पुत्री थी डॉक्टर राजेश और मिसेज नीलमा मेहरा की एक्चुअली वो सिर्फ उनकी ही पुत्री नहीं थी हमारे ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क के नेटवर्क की पुत्री है और इसमें हमने ये देखा कि इट्स नॉट यूनियन ऑफ़ टू पीपल इट्स नॉट यूनियन ऑफ़ टू फैमिलीज बट आल्सो यूनियन ऑफ टू रिलीजन्स टू कस्टम्स टू कॉन्टिनेंट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एंड कस्टम्स एक्सेट्रा जो यहाँ में मैंने एकता देखी अनेकता में वही हमारा हिंदू धर्म का स्तंभ है एक अनेकता में एकता देखना मैंने और भी कई सेलिब्रेशंस विटनेस किए हैं और किए हैं हमारी बेटी की शादी हमारे बेटे की शादी और कई एक रिचुअल्स हमने किए हुए हैं ये सब जो है सेलिब्रेशन है बट इनका मैसेज भी बड़ा डीप है बड़ा गंभीर संदेश हम लोगों को है इनका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा होता है इसलिए सिकमेंट ऑफ अगले साल का 2016 का हमने थीम चूज़ किया हुआ है सेरेमनीज रिचुअल्स और संस्कार उसमें हमें आपकी ज़रूरत है बिना आपके ये नहीं क्योंकि आपके पास कोई भी सेरेमनी जिसमें एवर लास्टिंग जैसे इस शादी मैंने अटेंड की थी नीलमा मेहरा के नंदिनी मेहरा के वो हमारे लाइफ में हमेशा याद रखेंगे यूनिक था यूनिक फिर भी एकता थी हमेशा याद रहेगी तो ऐसी कोई चीज़ आपके उसमें है जिससे समाज को इनलाइटनमेंट मिला पार्टनरशिप मिले समाज को कुछ समझने के वो मिले तो आप हमको बताइए और Uh, 2015 हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा और हम चाहते हैं कि 2016 इससे भी अच्छा रहे उसमें आपकी ज़रूरत है और लेस्ट ट्रेडिशन कंटिन्यू नमस्कार धन्यवाद